आज मैं बनाने वाली हूँ बिना लहसुन और प्याज के शाही पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही टेस्टी। इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं 1 कप फूल मखाना ले रही हूँ, साथ में गरम दूध लिया है मैंने 1/2 कप, इसे हम मखाने में डाल देंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर रख देंगे फूलने के लिए, जिससे सॉफ्ट हो जाए। 1 पैन में मैंने 1/4 कप पीनट लिया है, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे भुन गए, यानी कि हमारा इसका चक्कर अलग हो रहा है। अब इस तरह से हम इसके सारे सिकल अलग कर लेंगे। अब एक जार में मैंने दूध और मक्खन डाल दिए, साथ में मैंने छिले हुए पीनट डाल दिए हैं। अब इसका हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब मिक्सर जार में थोड़ा सा दूध डालकर इसका जो पेस्ट लगा है वो भी हम निकाल लेंगे बाउल में। यहाँ पर मैं 2 टमाटर ले रही हूँ, थोड़ा सा अदरक लिया मैंने। टमाटर को मैंने पहले ही वाश कर लिया था। अब इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और मिक्सर जार में डालकर इसकी हमें प्यूरी बनानी है। ये लीजिए हमारी टमाटर प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब एक बाउल में मैं 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो पनीर मैंने क्यूब्स में काटा था उसे हम मसाले में डाल देंगे और अच्छे से पनीर में मसाले को लपेट देंगे। ये देखिए सारा मसाला हमारे पनीर में लपेट गया है। अब एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था, उसमें सारे पनीर को डालकर हम फ्राई कर लेंगे। वैसे पनीर में मैंने पहले से ही ऑयल डाला हुआ था मसालों के साथ में, आप चाहें तो बिना ऑयल के भी सेलो फ्राई कर सकते हैं। इसे हम धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए पनीर हमारे फ्राई हो चुके, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब मैंने 1/2 कप कैप्सिकम ली थी, उसे भी क्यूब्स में काट लिया था, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे उसी पैन में और निकाल लेंगे। अदर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने बटर का ऐड किया है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची तोड़कर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची तोड़कर और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है। अब टमाटर प्यूरी डाल देंगे। धीमी गैस पर मसाले से तेल अलग होने तक भूनेंगे। इसे बराबर चलाते रहिए आप। ये देखिए तेल अलग होने लगा मसाले से हमारा। अब यहाँ पर मैं मखाना पिसा हुआ था उसे डाल देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम स्लो पर ही रखें फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो पनीर का ऑयल निकला हुआ था, बचा हुआ मसाले वाला, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे चलाएंगे अच्छे से। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम यानी कि घर की मलाई डाली है, आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने और इसे अच्छे से भूनेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया मैंने।
हाफ टी स्पून कसूरी मेथी का डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने बटर और डाल दिया इसमें। 2 ग्रीन चिली मैंने ली है, उसे काट दिया था बीच से, उसे ऐड कर दिया है। अब मसालों को तेल अलग होने तक इस तरह से भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब यहाँ पर पनीर और कैप्सिकम जो भुनी हुई थी, फ्राई की हुई, वो डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक इसी तरह से धीमी आंच पर चलाएंगे। ये देखिए अच्छे से लपेट गया हमारा मसाला। अब इसमें 1 से 1.5 कप हम पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको पतली या गाढ़ी जिस तरह से ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये पकने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 कप पानी डाला है। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। एक बार बीच में से हम चला देंगे। थोड़ा सा हरा कटा धनिया डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। लास्ट में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शाही पनीर मसाला ऐड कर रही हूँ। ये हमारी पनीर की शाही सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बगल में लगी बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइए। ऊपर से हरे कटे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने हमारी हांडी पनीर कोरमा की रेसिपी पसंद की, आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।